हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग प्रैक्टिकल वर्क। ये वीडियो रूटीन से ज़रा हट के है, इसलिए मैं अपने लोकल पाकिस्तानी भाइयों के लिए बना रहा हूँ। मुझे ये मैसेज आया था, नोकिया का ये मेरा मोबाइल है, 3 साल पहले मैंने ये खुद ख़रीदा था, और ये मुझे मैसेज आया कि यू आर IME इज़ डिटेक्टेड एज़ क्लोन डुप्लीकेट, प्लीज़ रजिस्टर कम्प्लेंट ऑन दिस एड्रेस। एड्रेस भी उन्होंने दिया, एक ये वाला एड्रेस है complaint.pta@gov.pk रजिस्टर, इसके ऊपर आपने देना है। और आपने चूज़ नॉन कम्प्लेंट अंडर DIRBS कम्प्लेंट, इसके ऊपर आपने कम्प्लेंट रजिस्टर करवानी है। तो ये मैसेज मुझे मुतअद्दिद बार आया, 2-3 हफ्ते से आ रहा है, तो मैंने इसको इग्नोर किया। और अभी मेरी सिम दोनों जो है वो ब्लॉक हो रही हैं, एमरजेंसी, सॉरी सिम ब्लॉक नहीं हुई, मेरा सेट ब्लॉक हो गया है और वो एमरजेंसी शो कर रहा है। तो एमरजेंसी कॉल ओनली का मेरे पास एरर आ रहा है सिम की जगह के ऊपर। मैंने सिमें भी चेंज की, रीस्टार सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये मैसेज मुझे 3-4 दफ़ा आया है पिछले 3-4 हफ्तों में, तो मैंने इसको इग्नोर किया। अभी सेट मेरा जो है वो सिम्स ब्लॉक हो गई हैं, ये देखें ये स्टेटस अभी आ रहा है मेरे पास। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मौजूदा इसका क्या हल है, क्या सोलूशन है, क्या तरीक़ाकार है इसको ओपन करवाने का। ये सेट मैंने 3 साल पहले ख़ुद ख़रीदा था, डब्बा इसका मेरे पास मौजूद है, और इसके अंदर मैं अपनी ज़ाती सिम ही 3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। डब्बे के ऊपर PTA का स्टिकर है और यह मोबाइल ओरिजिनल है, कॉपी नहीं है। तो इसको आपने कैसे ओपन करवाना है, जो तरीक़ाकार मुझे पता चला है वो मैं लाइव आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि सब भाइयों की रहनुमाई हो जाए। तो यहाँ पर आप PTA कंप्लेन लिखेंगे गूगल के अंदर क्रोम में, तो आपके पास ये लिंक आ जाएगा PTA.gov.pk। इस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे इसको आपने क्रॉस कर देना है, ये पेज है, और इस पेज को आप यहाँ से 3 डॉट में जाके, यहाँ पे 3 डॉट में जाके, तो इसको आप ये वाला ऑप्शन कर सकते हैं, तो आपको पेज मज़ीद वाज़ह नज़र आएगा। अगर कोई ऑप्शन आपसे क्लिक नहीं हो रहा या कोई मिसिंग है, तो आप इसको करेंगे ये वाला ऑप्शन, तो आपके पास पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा और मज़ीद आपको इजी हो जाएगा। क्योंकि ये देखें यहाँ पे ओवरराइटिंग कहीं पे नज़र आ रही है, तो आपको कोई ऑप्शन ढूंढने में कन्फ्यूजन है तो आप इसको ये वाला ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको मैं डिसेबल कर सकता हूँ ये। तो यहाँ पर हमने कंप्लेन लिखनी है, फर्स्ट नेम, CNIC, कॉन्टैक्ट, ई मेल, सिटी, पोस्टल एड्रेस जो ID कार्ड के ऊपर लिखा होता है, और ये दूसरा जो ऑप्शन है ये सेकंड ऑप्शन, इसमें हमने ये 2 नंबर वाला ऑप्शन क्लिक करना है जो कि ये ओवरराइट हुआ पड़ा है। ये है वो ऑप्शन जो हमें मैसेज में बताया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इन्होंने लिखा है नॉन कंप्लेंट अंडर DIRBS, तो DIRBS ऑप्शन जो है वो ये सेकंड वाला ऑप्शन है, ये वाला। ठीक है, इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं डेस्कटॉप पे करके, तो ये देखें ये दूसरा ऑप्शन जो है ये DIRBS है, तो हमने ये क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं आप प्लीज़ होल्ड करें, थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, मैं ये डाटा फिल करके तो रिज्यूम करता हूँ, तो नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और क्या प्रोसीजर है। अच्छा, तो ये डाटा मैंने अपना फिल कर लिया है, नाम, ID कार्ड, मोबाइल नंबर, जीमेल एड्रेस, मेरे सिटी का नाम नहीं आ रहा था तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दिया है, नीचे जो पोस्टल एड्रेस में मैंने अपने ID कार्ड का एड्रेस डाल दिया है, और कंप्लेंट नंबर 2 ये जो ब्लू बॉक्स है इसमें मैंने सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन ये क्लिक कर दिया है, और ये DIRBS है। ठीक है, नीचे कंप्लेंट ऑफ नेचर यहाँ पर हम लिख देते हैं जो हमारा मसला है, ये हमारा ऑप्शन है नॉन कंप्लेंट IMI, क्योंकि ये वाला मैसेज मुझे रिसीव हुआ है, तो अभी मेरी सिम वर्किंग नहीं कर रही, तो हम ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। ठीक है, नीचे आ जाएं, IME डिटेल, मेरे सेट की 2 IME हैं, नंबर ऑफ IMI 2 है मेरी, तो मैंने यहाँ पे 2 सेलेक्ट किया तो मेरी 2 IMEI ओपन होगी। ये इसमें मैं IME 1 डाल दूँगा और दूसरी में ये IMI 2 डाल दूँगा। अच्छा, उसके बाद ब्रांड है, ब्रांड मेरा नोकिया है। उसके बाद सीरियल नंबर, सीरियल नंबर आप मोबाइल की बैक साइड के ऊपर, अगर बटन वाला मोबाइल है तो उसके अंदर आपको नज़र आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको ये कोड जो लिखा हुआ है ये हमारा सीरियल नंबर है, और
डब्बे के ऊपर भी ये चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाला कोड ऑलरेडी मेरे पास कॉपीड है, तो मैं इसको कॉपी करके ये वाला कोड इसको मैं कॉपी करके तो यहाँ पे डाल देता हूँ सीरियल नंबर पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मॉडल है, तो मॉडल मेरा नोकिया 105 है। अगर आपको मॉडल का नहीं पता तो आप अपने मोबाइल से *0000# मिलाएंगे तो आगे आपका मॉडल शो हो जाएगा, या आप डब्बे के ऊपर भी देख सकते हैं। कलर ब्लू है, इसका जो ओरिजिनल कलर था ब्लू है। MSIDN नंबर फॉर सिम पेयरिंग, ये यहाँ पे आपने अपना नंबर देना होगा। इफ़ योर डिवाइस इज़ ब्लॉक एंड स्टेटस ऑफ योर IM इज़ नॉन कम्प्लेंट, योर डिवाइस इज़ आइडेंटिफाइड एज क्लोन डुप्लीकेट DIB सिस्टम, योर प्राइसेस इंफॉर्मेशन विल बी फॉरवर्ड टू योर मैन्युफैक्चरर टू चेक योर डिवाइस जेन्युइन, इन केस ऑफ वैलिडेशन योर डिवाइस विल बी पेयर्ड विद योर प्रोवाइडेड नंबर, प्लीज़ प्रोवाइड योर ऑल मोबाइल नंबर मैक्सिमम 5 अलॉन्ग विद ऑपरेटर नेम इन द फील्ड गिवन बिलो, यू विल बी एबल टू यूज़ डिवाइस विद प्रोवाइडेड नंबर ओनली। तो ये बता रहे हैं कि आप का नॉन कम्प्लेंट ये जो है, तो आप 5 नंबर नीचे दें, 5 मोबाइल नंबर दे सकते हैं, तो वही नंबर आपके ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर ओपन हो जाएंगे। तो ये कुछ अरसे के लिए सिर्फ यही सिम चला सकते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद ये आप कोई भी सिम इसके ऊपर चला सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये यहाँ पे ये ब्लू लाइन में लिखा हुआ है कि आप मैक्सिमम 5 सिमें जो हैं इसके ऊपर चला सकते हैं, जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा नंबर है वो मैं लिख देता हूँ, ऑपरेटर इसका जायज़ है। अच्छा, उसके बाद जायज़ वारिद, ये ऐड का बटन है एक, तो यहाँ पे आप ऐड करके मज़ीद नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं इसको ऐड क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दूसरा नंबर डालता हूँ, ठीक है, मज़ीद ऐड करता हूँ, इसका ऑपरेटर यू फोन है, मज़ीद ऐड करता हूँ, तो और इसका ऑपरेटर जायज़ है, एक मज़ीद नंबर ऐड करता हूँ, देखिए ये काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। तो 5 नंबर आप लिख सकते हैं, फ़िलहाल के लिए मैं ये 3 नंबर डाल रहा हूँ, मुझे मज़ीद नंबर्स की ज़रूरत नहीं है। और इनका ऑपरेटर नेटवर्क जो है ना, वो भी आपने ऑपरेटर आपने लाजमी इसका चेक करना है, ठीक है। अच्छा, नीचे आ जाए, कंप्लेंट सर्वर, ये कंप्लेंट सर मेरी आपने लिखनी है BO। मैं रिज्यूम करता हूँ ये लिखने के बाद आपको। अच्छा, यहाँ पे मैंने समरी लिख दिया है कि आई बॉट दिस न्यू मोबाइल फ्रॉम लोकल शॉप, इट वाज PTA अप्रूव एंड ओरिजिनल विद PTA स्टैंप, आई एम यूजिंग दिस फॉर मोर देन 3 ईयर्स, नो मोबाइल शोइंग एमरजेंसी कॉल्स ओनली, प्लीज़ ओपन माई मोबाइल, थैंक्स। तो इन लोगों ने टैक्स गवर्नमेंट ने ले लिया हुआ है, उसके बावजूद इन्होंने ये किसी वजह से इसको ब्लॉक कर दिया है। तो बहुत सारे लोगों को 20 लाख तकरीबन कमोबेश मीडिया के ऊपर आ रहा है कि 20 लाख से ज़्यादा मोबाइल जो है ना, वो इस चक्कर में PTA ने बंद किए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जुल्म है आवाम के साथ। अगर इन्होंने ब्लॉक कर रहे हैं तो इनके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो IME मिस यूज़ हुई है सेकेंड टाइम, तो वो सेकेंड वाला मोबाइल जो है वो ब्लॉक करें, ना कि जो फर्स्ट वाला ओरिजिनल यूज़र है उसको ब्लॉक करें। तो ये इनके सिस्टम का फ्लॉ है, ये इनकी मिस्टेक है, बस पैसे फाड़ने वाली बात है, और गरीब आवाम के ऊपर मज़ीद ये किसी न किसी तरह से छीनते हैं पैसे, छीनने के चक्कर में। तो ये जुल्म है, हर बंदा जो है ना वो इसके ऊपर आवाज़ उठाए। तो अभी नीचे ऑप्शन है अटैचमेंट का, ये यहाँ पर अटैचमेंट है, अटैचमेंट है, अटैचमेंट मतलब आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट देने हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट जो हमने देना है, प्लीज़ अटैच IMEI स्क्रीनशॉट आफ्टर *H06#। तो मैंने स्क्रीनशॉट *H06# मिला के जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने ले लिया है, और उसको मैंने PDF में सेव कर लिया। वैसे आप पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन YouTube के ऊपर कुछ लोग ये बता रहे थे कि पिक्चर जो है वो PTA
एक्सेप्ट नहीं कर रही तो पीडीएफ में डालें। तो मैंने इसको ऑलरेडी पीडीएफ में कर लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर किसी के साथ ये मसला आया तो मैं वो वाला ना करूं। तो यहां से सेलेक्ट करेंगे मोबाइल और डाउनलोड में ये मेरे पास फाइलें पड़ी हुई हैं पीडीएफ की, ये IMEI, ये मेरे पास IMEI पड़ा हुआ है मोबाइल का, और ये मेरे पास मेरा आईडी कार्ड पड़ा हुआ है पीडीएफ के अंदर। तो मैं अभी आपको इसमें यह भी बताता हूँ कि आप पीडीएफ कैसे बना सकते हैं। तो पहले मैं इसको अपलोड करता हूँ, ये फ़ाइल मेरी अटैच होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए IMEI लिखा हुआ है। अभी दूसरी फ़ाइल यहाँ पे मैंने अपलोड करनी है, और यहाँ पे डालना है सीरियल नंबर ऑफ डिवाइस। ओके, तो मैं यहाँ पे दूसरी फ़ाइल डाल देता हूँ सीरियल नंबर वाली। सीरियल नंबर भी एक्चुअली मैंने इसी फाइल में डाला हुआ है, दोनों इकट्ठे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे डाल दिया। तीसरी अटैचमेंट जो है वो यहाँ पे मैं कंबाइन करके एक फ़ाइल डाल देता हूँ जिसमें सारी चीज़ें मौजूद होंगी, ये वाला। इसमें मेरा आईडी कार्ड है, और आईडी कार्ड की वैसे ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर मैं यही फ़ाइल डाल देता हूँ, यही वाली IMEI वाली। इसके अंदर IMEI हैं, और इसके अंदर सीरियल नंबर है विद पिक्चर, ये मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपने एक्नॉलेज करना है और रजिस्टर कंप्लेन करना है। ओके, तो ये जो मेरी जो है ये कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है, इसको मैं स्क्रीनशॉट करके अपने पास सेव कर लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट जब भी मुझे रेफरेंस ज़रूरत हो तो मैं ये अपने पास सेव रख सकूँ। ओके, अच्छा, तो अभी जनरेट सबमिट कंप्लेन। अच्छा, ये कंप्लेन भी रजिस्टर हो चुकी है, और ये नीचे लिखा हुआ है योर कंप्लेन स्टेटस। स्टेटस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टेटस में क्या आ रहा है हमारे पास। कंप्लेन रेफरेंस नंबर, ओके, शुक्र है। ये है मेरा कंप्लेन नंबर, रेफरेंस नंबर, सबमिट करें। और ये स्टेटस के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, तो फ़िलहाल इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो जो ही मुझे कोई यहाँ पे रिस्पांस रिसीव होता है तो मैं ज़रूर अपने कम्युनिटी में अपडेट कर दूँगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। शायद मैं इसके ऊपर छोटी मोटी वीडियो बना दूँ अगर टाइम मिला तो। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये कंप्लेन हमारी फ़ाइल होगी, अभी उनका जो भी रिप्लाई आएगा सिम के ऊपर या जीमेल के ऊपर, इनका रिप्लाई आपको जीमेल के ऊपर आएगा, क्योंकि सिमें तो हमारी बंद है। तो ये आ गया, ये मेरे पास, डियर कस्टमर योर कंप्लेन हैज़ बीन सक्सेसफुल रजिस्टर्ड विद योर रजिस्टर्ड कंप्लेन रिजॉल्व विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, योर कंप्लेन रेफरेंस नंबर इज दिस। ओके, तो ये मेरे पास कंप्लेन नंबर आ गया, इसको भी मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ रेफरेंस के लिए, ताकि मुझे याद रहे। आपने अपने ईमेल के ऊपर नज़र रखनी है कि आपको जब भी कोई नई ईमेल रिसीव हो तो अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर एक्शन करें। तो अगर मेरी सिमें ओपन हो गई तो मैं शायद वीडियो ना बनाऊँ, अगर मेरी सिमें ओपन ना हुई और दोबारा से मुझे कोई प्रोसीजर करना पड़ा तो मैं आपको इसका वीडियो बना के दिखाऊँगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप पीडीएफ कैसे बना सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आप गूगल के ऊपर लिखें JPG टू PDF, तो ये एक वेबसाइट आ जाएगी जो मैंने अभी ट्राई की है और बहुत आसान है, JPG टू PDF.com। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे आपने ये ऑप्शन है अपलोड फाइल, यहाँ पे आप कोई भी तस्वीर अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप 10 तस्वीरें, 20 तस्वीरें, 100 तक तस्वीरें इसके ऊपर मैंने कंबाइन की हुई हैं। तो अभी मुझे सिर्फ 2 तस्वीरें चाहिए जो मैंने कंबाइन करनी है। तो अपलोड फाइल करेंगे, तस्वीर उठाएं अपनी आप गैलरी से जहाँ पे भी पड़ा है, मिसाल के तौर पे ये 2 तस्वीरें मैंने कंबाइन करनी है, सेलेक्ट करें, ये 2 तस्वीरें अपलोड हो गई। तो जब ये दोनों अपलोड हो जाएंगी तो ये कंबाइन का जो बटन हमारे पास आ रहा है ये हमारा कलर देना शुरू हो जाएगा, और हम इसको क्लिक करके
ये जो दोनों पिक्चर हमने अपलोड की हैं इसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये फाइल आपने वहाँ पे अपलोड करनी है। आप पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि पीटीए जो है वो पिक्चर को एक्सेप्ट नहीं करता, आप पीडीएफ अपलोड करें, तो इसलिए मैंने ये पीडीएफ अपलोड की ताकि दोबारा से मुझे कंप्लेन लॉन्च ना करनी पड़े। किसी ने तजर्बा किया है तो ये बात की है। तो ये हो गई पिक्चर हमारी अपलोड। ओके, देखें अभी कंबाइन का बटन हमारे पास ये शो हो गया है, ठीक है। ये हम कंबाइन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी फ़ाइल ये देखें ऊपर ओपन हो गई, और ये हमारी फ़ाइल यहाँ पे आ गई, ये वाली फ़ाइल, ये फाइल। तो अभी इसको मैं आपको ओपन भी करके दिखाता हूँ। कॉन्ट ओपन फाइल क्यों नहीं हो रही, ये डिवाइस मैनेजर डाउनलोड, ये फाइल आ गई। ये इस तरह से फ़ाइल आपकी ये पीडीएफ में हो गई, दोनों पिक्चर एक ही पेज के ऊपर आ गई हैं। तो ये तरीका है तस्वीर को जेपीजी में डालने का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और कंप्लेन का तरीकाकार आपको सब पता चल गया होगा। दुआ में याद रखिए, और अगर आपकी आईएमई ब्लॉक हो गई हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे इस तरीक़ेकार को इख्तियार करते हुए इसको बनाएं। तो इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं ज़रूर आपको इसका बताऊंगा। और आप ये जो रेफरेंस नंबर है ये नोट कर लें, ये आप ख़ुद भी देख सकते हैं। और ये जो लिंक है कंप्लेन चेक करने का, ये भी मैं अपने पास सेव रखता हूँ ताकि नेक्स्ट जब मुझे अपना स्टेटस चेक करना हो तो ये पेज मुझे ढूंढना ना पड़े। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जब भी आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे और मेरा रेफरेंस नंबर जो कि मैंने आप ऑलरेडी आपको बताया हुआ है वो आप इसमें डालेंगे तो मेरी कंप्लेंट का स्टेटस आप भी चेक कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा मसला हल हुआ है। ओके, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय।